नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवशंकर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां पर योगी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शिता से काम कर रही है, तो वहीं पर उनके ही आला अधिकारी कुछ नए तरीकों से अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां सूबे की योगी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जी जान से जुटी है और सभी कामों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही, वहीं दूसरी तरफ जिले के आला अधिकारी भ्रष्टाचार करने के लिए नई नई तरकीब निकाल ही लेते हैं ताकि वह अपनी जेबें भर सकें। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया, जहां बांदा के सिंचाई विभाग के लघु डाल नहर खंड बांदा में, जहां सरकार ने केन नदी से कृषि विश्वविद्यालय तक लिफ्ट कैनाल द्वारा नहर के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए एक प्रोजेक्ट पास किया गया, जिसमें लिफ्ट कैनाल अंडरग्राउंड नहर ओवरहेड टैंक बनाने है, जिसका काम कराने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के लघु डाल नहर खंड बांदा को दे दी गई है, जिसके तहत 10 लाख से नीचे के कार्य विभाग बिना टेंडर के और 10 लाख से ऊपर के कार्य ई टेंडर के माध्यम से किए जाने थे। लेकिन बांदा के ईमानदार जिलाधिकारी हीरालाल ने पारदर्शिता बरतते हुए सभी टेंडर ई टेंडर के माध्यम से कराने के निर्देश दिए, जिनकी निविदाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई। अलग अलग कार्यों को 3 भागों में बांटकर निविदा मांगी गई थी। वहीं अलग अलग तारीखों में जिनके विभाग द्वारा निर्धारित तिथि 23 फरवरी और 25 फरवरी और 28 फरवरी निर्धारित की गई थी। 23 और 25 फरवरी को खुलने वाली निविदा के सभी कार्य कम लागत के थे, जिन्हें अधिकतम 2 माह में पूर्ण करना था। इन सभी कार्यों की अधिकतम लागत लगभग 24 लाख रुपए की थी, जिस पर विभाग ने पूर्व पारदर्शिता बरतते हुए पूर्ण भी किया। लेकिन 28 फरवरी को खुलने वाली निविदाएं, जिनकी लागत मूल्य लगभग 2,50,00,000 रुपए थी, उन्हें 25 फरवरी को ही ई टेंडर की नियत तिथि से 3 दिन पहले ही बिना परिवर्तन पत्र समाचार पत्रों में छपवाए और न ही विभाग के सूचना पटल पर लगवाए बिना गुपचुप तरीके से टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करते हुए अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने के लिए एक मोटी रकम लेकर तय सीमा के 3 दिन पहले ही निविदाएं घोषित कर दी गई। वहीं जब ठेकेदार धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट बनवाकर विभाग में जमा कराने पहुंचे, तब पूरा मामला खुलकर सामने आया कि विभाग के अधिशासी अभियंता ने एक मोटी रकम लेकर ई टेंडर प्रक्रिया में तय समय सीमा से 3 दिन पहले ही पूरी कर ली और किसी को इसकी सूचना भी नहीं दी। विभागीय ठेकेदार रमाशंकर द्विवेदी द्वारा जिलाधिकारी बांदा को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि अधिशासी अभियंता ने अपने विभागीय अधिकारी से साजगांठ कर बिना किसी को बताए गुपचुप अपने चहेते ठेकेदारों को एक मोटी रकम लेकर टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर साइट बंद करवा दिए और 25 फरवरी को ही खोल दिए गए। वहीं ठेकेदार रमाशंकर ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री सहित प्रमुख सचिव को पत्र व ईमेल के माध्यम से और रजिस्ट्री का शिकायत भेजी, जिसमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अधिशासी अभियंता जो प्रधानमंत्री को अपना रिश्तेदार बताते हैं और धन उगाही व भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी जांच कराकर कार्यवाही करने सहित गलत ढंग से हुई ई टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है। इस समय खड़े हैं लघु सिंचाई डाल के कार्यालय के बाहर, जहां एक भारी अनियमितता सामने आई है। एक बड़ी खबर आई है बांदा से लघु सिंचाई विभाग खंड की। आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि यहां की पूरी जो स्थिति है, यहां पर लघु सिंचाई डाल खंड में यहां के कृषि विश्वविद्यालय के लिए कई काम निकाले गए थे और उनकी टेंडरिंग प्रक्रिया ई टेंडरिंग के माध्यम से कराई गई थी। यहाँ के जो अधिशासी अभियंता है इंजीनियर शरद चौहान, जिनका बोर्ड लगा देख रहे हैं, जो यहाँ इस समय वर्तमान में अभी यहाँ है नहीं है, उनका चेंबर भी खाली पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं चेंबर में है नहीं, उपलब्ध नहीं है, वो यहाँ किसी कार्य से बाहर हैं। जिनसे अभी हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि मैं बाहर हूँ और आज मुलाकात नहीं हो सकती है। अभी हमने जो बात की है यहाँ के अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि ई टेंडरिंग की जो तारीख होती है उसी तारीख पर क्लोज होना चाहिए और इसके लिए बकायदा एक बड़े अखबार में और एक स्थानीय अखबार में इसकी विज्ञप्ति भी दी जाती है। लेकिन यहाँ नियम और कानूनों को दरकिनार करते हुए एक मोटी रकम लेकर के अपने चहेतों को यहाँ का ठेका दे दिया गया है, जिसकी आज लास्ट डेट 28 तारीख थी। आज निविदाएं खुलनी थी, लेकिन ये निविदाएं 2 दिन पहले ही खोली जा चुकी हैं बिना किसी को बताए। यहाँ के अधिकारियों ने ठेकेदारों से साठगांठ करके एक मोटी रकम लेकर के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है इस विभाग में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी भी तरीके के ना तो नोटिस चिपकाई गई है। आप नोटिस में भी आप नजर डालें, नोटिस बोर्ड है, एक एक नोटिस की फोटो हमने यहाँ पर ली है, हमने दिखाया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की ये सूचना ये निर्धारित नहीं की गई है कि यहाँ पर अभी तक ये सूचित किया गया हो कि
28 तारीख को होने वाली ईट एंड ड्रिंक की व्यवस्था पहले पूर्ण करा ली जाएगी, किसी तरह का नोटिस चस्पा नहीं है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड में इनके नंबर भी लिखे हुए हैं, सर चौहान यहाँ पर है, और ये मंत्री के रिश्तेदार अपने आप को बताते हैं। यहाँ जो प्रभारी मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनके ये रिश्तेदार बताते हैं अपने आप को, और उन्हीं मंत्रियों का रौब जमा करके यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। अब इस पर हम मंत्री जी से ही बात करेंगे कि आखिर उनकी संलिप्तता भी क्या इस टेंडिंग प्रक्रिया में है, या इस घोटाले में जो बड़ा घोटाला निकल के आया है बांदा के अंदर लघु सिंचाई डाल खंड का, इस पर चर्चा करेंगे और इस पर जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं, बात करेंगे यहाँ के अधिकारियों से। अभी जानकारी अभी हमारे यहाँ है इनसे, मुझे क्या नाम है आपका? भारत संतुलाल जी। संतुलाल जी कहाँ है साहब आपके? साहब दौरे में हूँ। साहब दौरे में है, कब से नहीं आए? कब से नहीं आए हैं? नहीं कल तो रहे हैं। कल रहे हैं। इनका कहना है कि साहब दौरे में हैं, कल थे, कल से नहीं आए हैं, और जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है लोगों से मिलने का समय, यानी अधिकारी को सबसे पहले अपने कार्यालय आना चाहिए और यहीं कार्यालय से अपने आगे के गंतव्य को तक जाने के लिए यहाँ पर बकायदा उसकी जानकारी विभाग को होनी चाहिए, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की कोई भी जानकारी विभाग के पास नहीं है कि साहब कहाँ हैं। बस ये जानकारी है कि साहब दौरे में हैं। टीवी वन इंडिया के लिए बांदा से भगत सिंह। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट, बांदा। भैया आपको बता दें कि पंजाब से बड़ी खबर आई है, जहां आपको बता दें कि पंजाब के संगरूर जनपद के वासियों ने अपने एमएलए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पंजाब के धूरी जिला संगरूर में गांव पालासोर में गांव वासियों ने एमएलए धूरी के दलवीर सिंह गोल्ली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं गांव वासियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एमएलए दलवीर सिंह गोल्ली हमारे गांव पालासोर की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, जो हमारे गाँव वासियों को मंजूर नहीं है। वहीं गाँव वासियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हर वर्ष हमारी ग्राम पंचायत गुरुद्वारा साहिब की कमेटी चुनती है, और इस बार भी हमारी ग्राम पंचायत गुरुद्वारा साहिब की कमेटी चुनी है, परंतु नई कमेटी के एमएलए धूरी दलवीर सिंह गोल्ली की साहब पर गुरुद्वारा साहिब की चाबी नहीं सौंप रहे हैं, और हम गांववासी अपने धार्मिक मामले में किसी भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सर मसला ये है, पहला 3-3.5 साल तो पुरानी कमेटी चल आ रही है, कोई इन्हों का बदली नहीं होया, कोई कुछ नहीं, जो कि हर साल बदली करनी पैंदी है, तो हुण उन्होंने ये करता जी हुण तुसीं कमेटी नवीं चुन लो, मैनूं प्रधानगी की लोड़ नहीं है। तो फिर पिंड ने जी लोहड़ी वाले दिन उतो जिस दिन भोग पे है गुरुद्वारा साहब अखंड पाठ साहब का, उस बाद पूरे पिंड ने इकट्ठे होकर जो मैंबर कमेटी है चुनी गई जी, चुन तो बाद पंचायत ने भी सहमति पाती जी, उदू बाद उस टाइम तो कोई बोलिया नहीं, लेकिन बाद इन्होंने चाबी से रौला पा लिया भी सानू चाबियां नहीं दिखा, तो हूँ ये जानन क्यों नहीं देंगे की है तो उ जानन जी। कि रौला पा लिया जी, की नाम है वो बंदे? प्रीतम सिंह, जथेदार प्रीतम सिंह, वो चाबियां नहीं दे रहे। जबकि इस संबंध में एमएलए धूरी के साथ फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में मेरा या मेरी पार्टी का किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, ये मामला गांववासियों का है, गुरुद्वारा साहिब की कमेटी का है, आपसी मामला है, इस मामले से हमारा कोई भी हमारी पार्टी का किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है। करके स्पीकर दे विच असी नवी कमेटी चुनती जी, नवी कमेटी चुन तो बाद असी जथेदार साहब नूं फोन करिया सी कि भी चाबियां ते सानू बाकी ओह जिहड़ी कमेटी चुनी गई भी उन्हूं रिकॉर्ड दो। जथेदार कहिंदा भी मैं हुण गन्ने की ट्राली लैके जा रहा भी उदू बाद आ के मैं सानू दे दूंगा। उदू जद असी 2-3 दिन लंघन तो बाद असी फिर उन्हां नाल राबता कायम करिया, असी कहा भी चाबियां दो हिसाब दो, कहिंदा भी मैनू तां कुछ बंदे मतलब चाबियां नहीं देण दिंदे, असी कहा भी ये तां गलत गल आ, असी चौंकी चले गए जी। चौंकी इंचार्ज करमजीत सिंह ने वो बंदयां नूं बुलाया जी, उत्थे सारी गलबात साडी सुनी गई, तो उन्हूं कहा भी भाई जब तू प्रधानगी सड़ती तू चाबियां क्यों नहीं दे रहा, कहिंदा जी कुछ बंदे मैनूं देण नहीं दिंदे चाबियां जी, आया जी फलाना मैं देण नूं तैयार हाँ। चलो असी साडा चौंकी वाले ने भी कुछ नहीं करिया जी, उदू बाद असी SHO गुरभाजन लवे चले गए जी अपने धूरी जी, गुरभाजन साहब ने भी सानूं यही गल कहा विश्वास रखिया भी असी चाबियां दवा दिंदे जी, सानूं कोई ना कल नूं दवा देंगे परसों दवा देंगे, चलो साड़ी उत्ते भी इन्नी कोई मतलब ना कहा भी असी दवाउंदे नहीं, ना कहा भी असी दवा देंगे,
मतलब दवा देंगे जी कल आ जाओ जी परसों। असी उस बाद जी गोल्डी साहब लवे चले गए, सो साडे एम एल ए साहब ने हुण कांग्रेस के, उन्होंने भी सानू जी घट्टो घट महीना डेढ़ महीना असी तड़के सवेरे 9 बजे जाया करिए 15-20 बंदे, बस असी चाबियां दबा देंगे जी, असी अज दबाने जी। मैं हुण उधर चलिया गया जी, अपने विधानसभा सैशन चल रहा, थोड़ा सैशन तो बाद मैं दबा दूंगा चाबी। मतलब कोई इस अज 2 महीने हो गए जी, कोई सिट्टा नहीं निकलिया पिंड दे नाल, इन्ना धक्का हो रहा उस चन्न बंदिया ने, मतलब भी चन्न बंदिया ने जेडे मतलब ये धक्का करते ने गुरद्वारा साहब च, वह सारे मतलब ये चीज़ नू पैसों का कोई हिसाब नहीं दे रहे पिंड वासियों, हो रहे सिर्फ 2-3 बंदी कमेटी चला रहे ने, 4 साल हो गए लगातार। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए सुखविंदर सिंह की रिपोर्ट, धूरी, पंजाब।